हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय वर्ल्ड जर्मनी। ये चैनल बेसिकली हमने इसलिए बनाया है कि स्टूडेंट्स जो है जो इंडिया से बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं वो पूरे प्रोसीजर खुद से कर सके। उसके लिए उनको किसी भी वीज़ा कंसल्टेंट या कोई वीज़ा एजेंट या एडमिशन कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में अभी बहुत से हमारे यहाँ इंडिया में बहुत से कंसल्टेंट जो है वो लोगों से पैसे ले रहे थे, फिर ना तो उन्हें कुछ प्रॉपर गाइडेंस देते हैं ना कुछ प्रॉपर आउटपुट दे पाते हैं, तो वो फाइनली उनके लोगों के पैसे जाते हैं और ना तो उन्हें एडमिशन मिलता है ना वीज़ा मिलता है और बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप खुद से करें, काफ़ी ईजी प्रोसीजर है, सब लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और हम भी यहाँ जर्मनी से आपको हमारे चैनल से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस करेंगे और सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज है। उसके अलावा ये इस चैनल के वीडियोस के थ्रू हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको एडमिशन्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या करना है, कैसे एडमिशन आएगा, फिर वीज़ा का इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे आपको आंसर देना है, उसके बाद में क्या पैकिंग करना है, क्या लेके यहाँ आना है जर्मनी में, या तो फिर क्या यहाँ पर सस्ता मिलता है, फिर यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशंस करने हैं, कैसे जॉब्स फाइंड करने हैं। तो ये चैनल जो है उससे आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वीडियो। तो सबसे पहली बात तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आप ने कभी भी ऐसा सोचा है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है इंडिया से बाहर जाने? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, ना उन्हें कभी जाना है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्यों बाहर जाना चाहिए और ऐसा वहाँ क्या है जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको पता है देन दैट्स वेरी गुड, बट इफ़ यू नेवर थॉट लाइक दैट देन यू शुड, बिकॉज़ जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंजीनियर्स की हालत बहुत ही इंडिया में बहुत ही बेकार होती जा रही है। ठीक है, डिग्री सबके पास है लेकिन काम नहीं है, जॉब नहीं है, और जॉब से तो सैलरी नहीं है। तो जबकि यहाँ से पूरा ही उल्टा है, इंडिया से पूरा उल्टा है, बाहर वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और पे स्केल भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसे बना के रखी है मिनिमम वेजेस की, तो आपको बहुत ही अच्छा पे मिलता है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये सोचा भी हो कि जाना है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न से, कुछ बैकग्राउंड की वजह से आपको अपना आइडिया ड्रॉप करना पड़ा हो या तो अपने जो भी ड्रीम्स है आपको छोड़ने पड़े हो। तो हम ये सब पॉसिबिलिटीज़, उसके रीजंस और फिर उसके क्या सॉल्यूशंस है, सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। तो एक रियलिटी ये भी है कि सोचते तो सब लोग हैं, अब मैं ये बताऊं कि अब की जो जनरेशन है उसमें मेजोरिटी ने ये सोच के रखा है कि भाई हम पढ़ाई के बाद बाहर चले जाएंगे इंडिया से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी कुछ मिलना है नहीं, तो यही सब मोस्ट लोग सोच के रखते। तो फिर आपने क्या सोचा है वो आप देखिए। पर दूसरी बात ये भी है कि सोचते तो सब है पर क्या सब कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी उनको जॉब्स मिल जाती हैं 10,000 15,000 या फिर किसी को शायद 20-25,000 की, तो भी वो फिर वो लेके बैठे रहते हैं, और या फिर कुछ लोग हैं जो फैमिली बिजनेस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, पर यही राइट टाइम है आपको अगर बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर जाके भी सब कुछ तुरंत ही सेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो इनिशियली टाइम अगर आप यहाँ पर वेस्ट करोगे इंडिया में किसी लो सैलरी जॉब में, फैमिली बिजनेस में, तो जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपको फिर बाहर जाना और मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग यही कर लेते हैं, या तो कोई जॉब मिल जाती तो वो ज्वाइंट कर लेते हैं या फैमिली बिजनेस कर, और ऐसा नहीं कि उनको ये करना है। ठीक है, वो उसमें बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। तो आप अगर इनिशियली ज्वाइन करते हो तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आप पछताने वाले हो। ठीक है, आपको बिल्कुल पछतावा होगा कि आपने क्यों किया, यार पहले ही बाहर चला जाना चाहिए था। जैसे कि जब तब तक आपके दोस्त जो बाहर गए वो सेट हो चुके होंगे, उन्होंने अपनी कुछ अच्छे से इनकम बना ली होगी, और फिर आपको ऐसा फंस जाओगे कि कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत से लोग ये कर लेते हैं पर उनके विश नहीं है, पर कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि
कुछ ना तो गाइडेंस होता है, ना कुछ सपोर्ट होता है, ना कोई मोटिवेशन होता है, तो बस सिर्फ कंफ्यूजन ही होता है कि क्या करें यार। तो उससे अच्छा है जो मिल रहा है वो ले लो, ठीक है। पर मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल भी बाहर जाना चाहिए आपको। एक तो ये है कि पहला रीज़न ये कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बैचलर जो इंडिया में रहते हैं, बैचलर एजुकेशन, उसमें काफ़ी थियोरी बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल बहुत कम है, प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर में आते हैं वो भी सब लोग रेडी उठा के लेके आते हैं, ठीक है। तो बैचलर इंजीनियरिंग करने के बाद भी प्रैक्टिकली हमको कुछ नहीं आता है, ये फैक्ट है। जबकि फिर जब आप मास्टर में जाते हो ना, तो वहाँ पर आपके साथ पूरे दुनिया के लोग होते हैं एब्रोड में, तो वो सब कंट्रीज़ के भी होते हैं, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन्स, वो भी होते हैं, तो वो भी बैचलर करके आए, पर उनका नॉलेज देखो और आप अपना नॉलेज देखो तो उसमें बहुत बड़ा गैप रहता है। तो एक चीज़ तो ये कि अगर आपको रियली में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल कुछ नॉलेज एक्वायर करना है लेटेस्ट, तो फिर तो वो आपको अब्रॉड में मिल सकता है। इंडिया में बहुत से कम इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको उस लेवल का नॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप मास्टर करने का सोच भी रहे हो तो इंडिया से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश कंट्री में जाते हो तो आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, जो आपको अपने लाइफ टाइम काम आएगा। और अगर फ्रांस या जर्मनी जाते हो तो फ्रेंच या जर्मन सीखते हो, तो वो भी आपको कनाडा पीआर के लिए, फिर जर्मनी में है, फिर उसके बेस पे वो एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी खुद की इकोनॉमी है यूएस यूके की तरह, जिनके खुद के मार्केट्स हैं, जिनके खुद के जॉब्स हैं, जहाँ पर वो लैंग्वेज के आपको रिक्वायरमेंट्स है, तो एक अलग लैंग्वेज सीखते हो तो आपके लिए अलग पूरा मार्केट, जॉब मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन है। तीसरा है कि आपको एक इंटरनेशनली वैल्यूएबल डिग्री मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा 3 साल का डिग्री है यहाँ पर, बैचलर का, बीएससी, बीकॉम, ये वो, तो हाँ अपन जाते हैं जर्मनी, वहाँ पे तो वो लोग इनको बैचलर काउंट नहीं करते, ठीक है। 3 साल का अपना डिग्री जो है वो इक्वलन टू बैचलर उनके लिए नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। बाहर जाके अगर आप जर्मनी, कनाडा जैसे कंट्री से कोई डिग्री लेके आए हो तो इंटरनेशनली वैलिड है, उस पर कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश के कुछ डिग्रीज़ है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है, वो बिल्कुल भी जर्मनी और कनाडा में वैलिड नहीं है। तो ये सब इश्यूज़ हमारे एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं। चाइना वगैरह की डिग्रीज़ है तो उनके लिए भी उनको स्पेशली इवोल्यूशन का एक अलग ही प्रोसेस करवाते हैं। जबकि आप कनाडा, जर्मनी या डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं से भी करके आओ तो एक उनका पूरा स्टैंडर्ड है, उनकी पूरी इंटरनेशनली एक वैल्यू है। और एक रीज़न है कि आपको अलग ही दुनिया मिलने देखने को मिलेगी। जब तक आप इंडिया में हो आपको लगेगा कि बस यही दुनिया है, यही मेंटालिटी है, ऐसा ही है, ये है, वो है, और वो पागल है, ठीक है। पर जब आप दूसरी दुनिया में जाते हो, फिर देखते हो, फिर कंपेयर करते हो, तो पता चल जाता है आपको कि रियल में कौन इंसान है और कौन मूर्ख है, ठीक है, और क्या लाइफ है और क्या डिफरेंस है लाइफ का, और हम दुनिया में क्यों आए, हमारे जीने का मकसद क्या है, ठीक है, तो कैसे लाइफ स्टाइल से कैसे लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, तो बहुत कुछ है देखने को, ठीक है। कितने पीसफुली वो लोग, उनका ड्राइविंग जो सेंस है, उनका जो भी उनके मैनर्स है, ठीक है, एक हॉर्न तक आपको सुनने को नहीं मिलता है। फिर जो उन्होंने जो एयर क्वालिटी मेंटेन करके रखा है, पॉल्यूशन फ्री, जो भी उनकी प्लानिंग्स है, तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है, जो मुझे तो लगता है कि सिर्फ आप एक बार वो देख भी लो तो वो भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगी। और है कि सबसे बड़ा रीज़न है कि जॉब मार्केट पे अपने को तो अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन काफ़ी कम है, कंपटीशन काफ़ी कम है और जॉब्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से मिनिमम वेजेस भी इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर लो। तो ये सब रीजंस है कि जाना चाहिए, पर मिथ्स क्या है, ठीक है। अब जैसे ये रीज़न मैंने बताया तो शायद सबको पता होंगे कि भाई हाँ ये है, वो है, हमको भी पता है, ठीक है, पर साला प्रॉब्लम तो है कि पैसा ही नहीं है, है? तो दो रीज़न है ऐसे मिथ्स के। एक तो ये सबको लगता है कि यूके, यूएस में इंग्लिश चलता है और बाकी कहीं पे तो चलता नहीं, तो यूके, यूएस तो अब फुल है, यूएस में तो स्टडी के बाद 6 महीने का जॉब सर्च वीज़ा देते हैं, यूके में स्टडी के बाद 1 महीने का जॉब सर्च वीज़ा देते हैं, तो वो तो मुश्किल है जॉब लेना।
तो फिर तो पढ़ के वापस आना पड़ेगा। तो अब ये दोनों कंट्री फुल है और हमको इंग्लिश के सिवा कुछ आता नहीं है, तो फिर सब ऐसा नहीं है। दुनिया में और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो इतने अच्छे हैं, वहाँ पर भी आपको इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पर भी सिर्फ आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, आप जाके सेट कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। और जॉब सर्च वीज़ा भी आपको 18 महीने का मिल रहा है, ठीक है, 2 साल का मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो उसके दो ऑप्शंस है, एक तो है बैंक लोन, एजुकेशन लोन जो भी आपको मिलता है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि जर्मनी जैसे कंट्री जो फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, ये रियलिटी आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। जर्मनी में यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फीस नहीं है, आपका एडमिशन होगा वहाँ पर, आपको कुछ भी फीस नहीं पे करनी है, ठीक है, सिर्फ 100 से 200 यूरो पे करने रहते हैं हर सेमेस्टर में, जो कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, जो इक्वेलेंट टू हमारे 8 से 15 हज़ार होते हैं 6 महीने में, एक बार आपको पे करने। और उसके बदले आपको मिलेगा एक स्टूडेंट का कार्ड, जिससे आप क्लब में एंट्रीज हो सकेगी फ्री में, फिर सिटी के बसेस हैं, ट्रेन से, ट्राम से, पूरे स्टेट में भी कुछ कुछ स्टेट में, पूरे स्टेट में अलाउ करते हैं, नहीं तो सिटी में अलाउ करते हैं। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का ज़ीरो खर्चा लगेगा, क्लब के एंट्रीज़ का ज़ीरो लगेगा। उसके सिवा आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल कुछ हेल्प चाहिए, कुछ फैमिली एडवाइस चाहिए, तो उनके एडवाइज़र्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो भी है पूरी फैसिलिटीज़ आपको फ्री हो जाएगी। तो ये एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है जो 8 से 15 हज़ार रुपये होती है हर 6 महीने। इसके सिवा यूनिवर्सिटी एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं करती है जर्मनी में, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि जर्मनी जो है वो रिसर्च और अपनी इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहता है। अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको पैसे तो फीस तो बिल्कुल पे नहीं करनी है, ऊपर से आपको स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा करीबन 1000-1200 यूरो से लेकर 1800 यूरो तक, ठीक है, तो मतलब अपने 1 लाख से 2 लाख रुपये तक तो महीने का स्टाइपेंड मिलेगा आपको। और जर्मन कंपनीज जो है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, ठीक है, फॉक्स वैगन, तो सब वर्ल्ड फेमस है। फिर टेक्सटाइल्स में, रोबोटिक्स में, काफ़ी इंडस्ट्रीज और मशीनरी में जर्मन टेक्नोलॉजी फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और आईटी का भी इतना ही बड़ा मार्केट है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का पार्ट अब आईटी है। तो जर्मनी में जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश बेस्ड प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है आपको जर्मन चाहिए, जर्मन में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बहुत से इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं जो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि फ्री एजुकेशन है, अभी गवर्नमेंट जो है उनको ही चाहिए, नए लोग चाहिए। जैसे उन्होंने सर्वे किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने कि हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, हम लोग इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस हिसाब से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है। तो फिर जैसे जापान की इकोनॉमी एक टाइम पे एकदम टॉप पे थी और अभी एकदम डाउन हो गई है, क्योंकि उनके पास इतना मैन पावर ही नहीं है, तो फिर हमारा क्या सिचुएशन है। तो सर्वे में उनको भी ये रिज़ल्ट मिला कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 तक, 2025 तक हमारी इंडस्ट्रीज भी शट डाउन हो जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ मैन पावर, ठीक है। तो हमें भी बाहर से मैन पावर लाना चाहिए, उनको अट्रैक्ट करना चाहिए। तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी कोई फी चार्ज नहीं करेंगे, ताकि वो यहाँ पर आए, अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, यहाँ पर जॉब सर्च करें और जॉब लेके यहाँ पर सेटल हो और हमारी इंडस्ट्री के पार्ट बने, तभी हमारी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा और हमारे कंट्री का भी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। वो हम पे ऐसा नहीं कर रहे, वो हमारे लिए फ्री एजुकेशन नहीं दे रहे, उनकी ज़रूरत है, उनको चाहिए, इसलिए दे रहे। जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जर्मनी के पास बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं था, ठीक है, तब भी उन्होंने इंडिया से मांगा था, तब तो हमारे मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, उन्होंने नहीं दिया था। पर जो तुर्की है, तुर्की कंट्री, तो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से बहुत से मैन पावर को भेजा था, और आज हम देखते हैं कि जर्मनी में यहाँ पर 30% पॉपुलेशन तो तुर्कीश है, ठीक है। अभी आज उनकी यहाँ पर सेकंड और थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई है, सब लोग बिल्कुल ही जर्मन बन गए हैं। तो हर एक सिटी में आपको एक तुर्कीश एरिया मिलता है पूरा, जो शायद आज इंडियन भी हो सकता था, पर अफसोस कि नहीं हुआ है। तो
जर्मनी जो भी है वो, उनको पहले से ही ये मैन पावर की दिक्कत है, और इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी ये इसलिए फ्री एजुकेशन दे रहे हैं ताकि बाहर से मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए और उनकी कंट्री जो है वो बढ़ती रहे, ऐसा है। एजुकेशन दे रहा है, इसका बिल्कुल भी बेनिफिट लेना चाहिए। तीसरा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब छोड़ो, अगर पढ़ना है तो फिर हमको तो अच्छा ही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जर्मन जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो वहाँ की डिग्रीज है वो इंटरनेशनली वैलिड है, ECTS सिस्टम पे, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम, तो जब वहाँ पर अपने कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़े वो पूरे यूरोप में आप कहीं पे भी जाओ उसको इक्विवेलेंट क्रेडिट मिलेगा। अगर यहाँ पर आपने जर्मनी में 5 क्रेडिट का कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया है या 7.5 का किया है, फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ और वहाँ पर अगर आपके कोर्स में वो सब्जेक्ट्स हैं तो आप वो दिखाओ कि मैंने जर्मनी में किया है, तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वो इंटरनेशनली वैलिड है। वहाँ पर की जो लेबोरेटरीज है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी के पास जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। आप कुछ भी प्रोजेक्ट करना अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगो, फंडिंग भी देगा, डिवाइसेस भी देगा, सब रिसोर्स भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं यूज़ करने के लिए। तो क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है एजुकेशन की, सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ में, सारे में जो भी प्रोफेसर्स रहेंगे वो PhD और 10+ फील्ड एक्सपीरियंस, 10+ ईयर्स का फील्ड एक्सपीरियंस वाले रहेंगे। और एक आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स होंगे, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, घाना, अफ्रीका, नाइजीरिया, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश हो तो है ही, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो पूरी वर्ल्ड से आपको स्टूडेंट, ऊपर से यूरोप से भी, स्पेन, पोर्टुगल, पोलैंड, यूक्रेन, वहाँ से भी इतने स्टूडेंट्स जर्मनी में रहेंगे। तो एक आपको एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, इंटरनेशनल आपके रिलेशंस डेवलप होंगे, ठीक है, आपके फ्रेंड्स होंगे, सब कंट्रीज़ में फ्रेंड्स बनेंगे, तो कभी भी कहीं पे भी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप कहीं पे भी ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, कुछ कौन से कल्चर को जान सकते हो, तो एक ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होगा। जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज जो भी आप देखेंगे, तो मतलब कुछ भी कम नहीं है वहाँ पर, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स को भी पूरा एक्सेस दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन रूम्स के इंक्लूडिंग प्रोजेक्टर्स, ये वो सब आपको एक्सेस दिया जाएगा कि आप अपने आप से कभी भी जाओ आओ, यूज़ करो, जो करना है करो, ठीक है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये हुआ गया कि भाई चलो पढ़ना लिखना फ्री है, एजुकेशन भी अच्छा है, वो भी हो गया। अभी ये कि रहने खाने का क्या है भाई, अब वो तो कोई मुफ्त में नहीं रखने वाला, अपनी चाची मौसी अंकल उंकल तो कोई है नहीं, ठीक है, और अपने पास पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पहली बात है, तो फिर अब क्या करेंगे भाई। तो देखते हैं कितना खर्चा होता है रहने खाने का। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पर एवरेज 200 यूरो, ठीक है। अगर आप स्मॉल टाउन्स लाइक रोस्टॉक में जाते हो, मैग्डेबुर्ग में जाते हो, तो आपको 19 यूरो से 100 यूरो में रूम मिल जाएगा आराम से, ठीक है, स्टूडेंट हॉस्टल में, प्राइवेट में, कहीं पे भी। पर अगर आप म्यूनिक जैसे बड़े सिटीज़ में जाते हो, जैसे म्यूनिक मतलब वहाँ का बहुत सबसे महंगा जर्मनी का, ठीक है, वहाँ का मुंबई और यहाँ का म्यूनिक, तो बहुत मुश्किल है रहने के लिए जगह ढूंढना। तो वहाँ पर आपको 350 यूरो महीने के पे करने पड़ते हैं, तब मुश्किल से मिलता है। तो हम एवरेज की बात करें कि अभी पता नहीं कि हमको कहाँ एडमिशन मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, बनते तक तो हम म्यूनिख में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम 1 साल कहीं पे भी पढ़ लेंगे, फिर इंटर्नशिप, जब हमारी ट्रेनिंग लग जाएगी, इंटर्नशिप में हमारी इनकम भी चालू हो जाएगी, कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, तो हम वो म्यूनिख जैसे सिटी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनिशियली हम छोटे टाउन में जाएंगे ताकि खर्चा कम लगे, क्योंकि जाने के बाद तुरंत वर्क परमिट भी नहीं मिलता, सब आते आते 3 महीने लग जाते हैं, तो 3 महीने में तो हम खाली हो जाएंगे, है ना। तो बस यही, तो अभी हम एवरेज रखते हैं 200 यूरो, ठीक है, ना 990 ना 300, 200 यूरो एवरेज,
ट्रांसपोर्टेशन का तो ज़ीरो है, पास मिल रहा है, बस में घूमते रहो पूरे सिटी में, जहाँ जाना है यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, ये वो, क्लब व्लब जो जाना है, मार्केट, शॉपिंग, बीच, कहीं पे भी ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का ज़ीरो कॉस्ट है और इंश्योरेंस कंपलसरी है भाई, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के मेडिक्लेम के सिवा तो आप रह ही नहीं सकते, और वैसे भी कंपलसरी, और अगर नहीं भी है तो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो हॉस्पिटल्स बहुत महंगी है भाई। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी करके रखा है, गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी करके रखा है। अगर आपको कंपलसरी गवर्नमेंट का इंश्योरेंस लेना है तो आपको 80 यूरो महीने के पे करने पड़ेंगे, और अगर प्राइवेट कंपनीज़ का आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो 35 यूरो में हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इंश्योरेंस अच्छे हैं, दोनों ही कैशलेस है, आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड लेके आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर्स के वहाँ, हॉस्पिटल के वहाँ चले जाना है, 1 रुपया नहीं देना है, 1 यूरो भी नहीं देना है। ठीक है, आपका पूरा जो है कैशलेस हो जाएगा, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, ये वो सब हो जाएगा। तो इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी भी है। और उसके सिवाय फूड एंड अदर कोस्ट जो 50 से लेके 100 यूरो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अब कौन कितना खाता है, कैसा खाता है, क्या खाता है, तो 50 से 100 यूरो में आपका महीने का हो जाएगा आराम से। तो टोटल लिविंग कॉस्ट हो जाएगा 400 से 600 रुपये, यानी कि 30-35-40 हज़ार रुपये महीने का रहने खाने का खर्चा। स्टडी कॉस्ट तो कुछ है नहीं, सब लैपटॉप पे ही पढ़ना है, स्लाइड्स पे पढ़ना है, पीपीटीज जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से डाउनलोड करना है, मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ रिपोर्ट बना के सबमिट करना है, तो सब डिजिटल ही है। और बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में मिल जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ में भी लाइब्रेरी होगी, उसके अलावा सिटी में भी सिटी लाइब्रेरी होगी, वहाँ से भी मिल जाएंगी। ठीक है, इधर उधर स्टूडेंट से भी मिल जाएगी, बुक्स इतनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न भी ऐसा है कि आपको बड़े बड़े थियोरी के 2-3 पेज पढ़ने ही नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, 2 सेंटेंस में आंसर देना है, ख़त्म, आधे घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म। ठीक है, जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं वो आधे घंटे में निकल जाते हैं, अपने इंडियंस जो हैं वो 1 घंटा पूरा लिखते हैं, पूरे पेजेस पढ़ते हैं, पर मार्क्स उनके ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करना है और अपने को घूमने की आदत है। तो ये तो वही बोल रहे थे, सब फ्री है अभी, 30-35 हज़ार तो रहने खाने का खर्चा है, अभी क्या करेंगे उसका। तो उसका सॉल्यूशन भी है कि वहाँ पर, अरे यार फोन बहुत, वहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि कुछ भी काम करो मिनिमम 8.5 यूरो आपको मिलेगा। आप चाहे वेटर हो, चाहे बर्तन धो रहे हो, चाहे हाउस कीपिंग कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, ठीक है, रूम क्लीनिंग कर रहे हो, शिप में, क्रूज में काम कर रहे हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, 1 घंटे का 8.5 यूरो आपको देना है, मतलब देना है तो आपको मिलेगा उतना। और 20 घंटे आपको लीगली परमिशन है स्टडी के साथ। ठीक है, तो फुल टाइम वेकेशन में आप 40 घंटे भी कर सकते हो। तो 20 घंटे भी अगर पकड़ ले अपन, तो महीने के आपको 680 यूरो मिलेंगे, जबकि अपना खर्चा है 400 से 600 यूरो। तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो खर्चा खाने पीने का निकालने के बाद भी सेविंग होगा 80 से 100 यूरो, मतलब 8 से 10 हज़ार यूरो, जो यहाँ पर इंडिया में इंजीनियर बनने के बाद आप फुल टाइम जॉब करोगे ना, तब 10 हज़ार मिलेगा, वहाँ पर अपना पढ़ने, साथ में पढ़ते हुए अपना खर्चा निकालते हुए, यूरोप में रहते हुए घूमते हुए भी महीने का 10 हज़ार तो आप बचा लोगे। ठीक है, और वे फुल टाइम जो वेकेशन के हो तो हमने काउंट भी नहीं किया है, तब भी जब अमेजोन वगैरह के वो क्रिसमस टाइम पे रहते हैं, वेयर हाउस के जॉब यहाँ पर, तो पूरे महीने स्टूडेंट जाते हैं तो 1700-1800-2000 यूरो एक महीने में ही निकल के ले आते हैं। और अब ये भी हम पूरा लीगली बात कर रहे हैं, अगर इलीगली देखें तो समर जॉब्स मिलते हैं बीचेस पे, वहाँ पर वियतनामीज, अफगानी, अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स में जो कैश में पेमेंट करते हैं आपको, तो वो आपके आवर्स काउंट नहीं होते, वो हालांकि 8.5 यूरो नहीं देते, 6 से 7 यूरो देते हैं, पर वो भी आप एक्स्ट्रा इनकम एक सोर्स है। उसके सिवा अदर सोर्स है स्कॉलरशिप, पर वो तो भूल ही जाऊँ, क्योंकि मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ने फीस ही नहीं रखी है, तो स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं है,
हालांकि आपको स्टूडेंट जॉब्स ये वो यूनिवर्सिटी में मिल जाते हैं जिसको हीवी जॉब्स बोलते हैं, उसमें भी अच्छी इनकम मिलती है और प्रोफेसर के अंडर पे उनके प्रोजेक्ट्स में काम करना है और अच्छा सा इनकम मिलता है। स्कॉलरशिप है पर उसके लिए बहुत ही कम स्कॉलरशिप है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो बस अभी ये ऑप्शन हम नहीं लेते हैं कि स्कॉलरशिप है ही नहीं, ठीक है। इसके सिवा तीसरा सोर्स है ब्लॉक अकाउंट, वो तो वैसे सोर्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो अपना ही पैसा है। आपको वीज़ा से पहले एक ब्लॉक अकाउंट खोलना है, उसमें अपने पैसे ब्लॉक करने हैं 8,000 यूरो, जो कि अभी 8,800 यूरो हो गए। तो इसलिए कि वीज़ा से पहले आपको दिखाना है कि आपको जर्मनी में जाके अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट को महीने का एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है, चाहे वो जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से हो या यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टूडेंट को फुल ऑन क्लब व्लब ये वो करके तो उसको महीने का 720 यूरो चाहिए, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट का मानना है। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके 8,800 यूरो उसके पास होने चाहिए, तो एक स्टूडेंट जर्मनी में अच्छे से अच्छी लाइफ जी सकता है। तो उन्होंने बोला कि जिनके पास इतने पैसे हैं उनको ही आने दो, ठीक है। तो ये है कि आपको ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है अपने नाम पे ही, जैसे हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वैसे बैंक में ही होगा, उसमें आपको पैसे डालने हैं, उससे आपको हर महीने 720 यूरो फ्री होंगे। फिर उसको अगर आप ऊपर के जॉब्स नहीं करते हो तो उसमें से भी आप एटीएम से निकाल के यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से यूज़ कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो जो आपका पैसा है वो बैंक में ही पड़ा रहेगा, हर महीने 720 यूरो फ्री होगा, उसको फिर आप इंडिया भेजो कुछ भी करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉक अकाउंट का। तो ये जो है फाइनेंशियल आपको सर्वाइव करने के लिए जो भी सोर्सेस है, ठीक है। तो ये हमारे बारे में, अब ये तो हमारे ऑनलाइन चैनल है तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये हमारे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप है और हम बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुके हैं, बहुत से कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ, लैंग्वेज कोचिंग भी हम जर्मन और आइल्स का प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, ये सब आपको ये चैनल में भी मिलेगा, हम फ्री काउंसलिंग करेंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, आपको कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन एप्लीकेशन सब में असिस्टेंस करेंगे, फिर आपको स्कॉलरशिप बैंक लोन वीज़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन प्री डिपार्चर ट्रेनिंग और पोस्ट डिपार्चर भी पूरा सपोर्ट हम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, उसमें हम एडमिशन और आगे कैसे फिर प्रोसेस करना है उसका पूरा दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।